हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो टाइम एंड वर्क दोस्तों हमने शुरू किया था और 3 वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट जो है 99.99% हमने जो कंसेप्ट है वो कर लिए हैं। एंड अब दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको ये पता रहे कि एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किए हैं, और जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं उन्हीं कंसेप्ट से दोस्तों सवाल भी दोस्तों ये इजीली सॉल्व होंगे। तो 5-6 क्वेश्चन दोस्तों मैंने उठाए हैं, एंड कुछ दोस्तों यूपीएससी के भी सवाल हैं, कुछ दोस्तों किसी स्टेट पीसीएस में आए हुए सवाल हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो शुरू करते हैं। पूरा दोस्तों वीडियो देखा करो और अप्रिसिएशन आपका चाहिए, सो दैट यदि आपको लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई नीड योर अप्रिसिएशन, एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं यार आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, देन योर सजेशन एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये दोस्तों जो सवाल है ये यूपीएससी में पूछा गया 2021 में, ठीक है, यूपीएससी 2021 का दोस्तों ये सवाल है। बोलता क्या है सवाल में, एक किसी काम के 7/8 भाग को 21 दिन में कर पाता है, तो यदि काम 50% बढ़ जाए, ठीक है, तो ए को कितने दिन अधिक लगेंगे उस काम को करने में। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले इसको समझते हैं कि दोस्तों ए को 7/8, ठीक है, किसी काम का 7/8 भाग करने में दोस्तों उसको लगते हैं 21 दिन। कितने? 21 दिन, ठीक है। तो यदि वो पूरा का पूरा भाग करना चाहता, मतलब पूरा भाग मतलब एक काम करना चाहता, तो एक भाग को दोस्तों करने में उसको कितने दिन लगेंगे, दैट इज़ 21 × 8/7, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों 24 दिन में वो किसी काम को पूरा कर लेगा, ठीक है, 24 दिन में दोस्तों वो किसी काम को पूरा कर लेगा, क्योंकि एक भाग मतलब क्या होता है भाई, अगर ये पूरा एक भाग है तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग 100%, तो 100% ही दोस्तों तो पूरा काम होता है, इसका मतलब समझ आ गया आपको। तो एक भाग को करने में 24 दिन लगते हैं। अब सवाल ये बोलता है कि काम हमने 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब यदि पहले काम 100 था पहले, ठीक है, अब दोस्तों जो काम है अब कितना होगा, 50% बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। भाई इसका 50% आपको बढ़ाना है, तो इसका मतलब काम जो है अब नया 150 हो गया, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आ गई। तो काम तो दोस्तों ए ही कर रहा है, मतलब जो पहले ए ने किया था तो ये वाला ए, ठीक है, तो ये अभी भी काम कर रहा है, और उसकी एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था यदि आपको याद होगा, कि एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। यदि दोस्तों एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी, मतलब किसी बंदे की एफिशिएंसी सेम है या कांस्टेंट है, तो वर्क और टाइम दोस्तों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा समय लगेगा, या फिर जितने समय तक आप काम करो वर्क करोगे उतना ही काम दोस्तों आप कर पाओगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसी कंसेप्ट को दोस्तों मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये वर्क है। तो पहले दोस्तों 100 काम था, अब 150 हो गया, इसका रेशियो कितना हो गया, अनुपात दोस्तों 2:3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो काम करने वाला बंदा है वो ए, वो तो पहले जाता ही है भाई, ए ही है, ठीक है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी भी सेम रहेगी। यदि दोस्तों एफिशिएंसी सेम है तो काम और जो समय है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, काम बढ़ेगा तो समय भी बढ़ जाएगा, या फिर आप ज़्यादा समय तक काम करोगे तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे। अब दोस्तों पहले आप 2 काम करते थे, अब आपको 3 काम करना है, तो पहले दोस्तों जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो पहले आप 2 काम को दोस्तों 24 दिन में कर पाते थे, कितने दिन में, 24 दिन में, आप देखो 24 दिन में। तो यदि दोस्तों 2 को 24 बोलते हो आप, तो 12, 3 को कितना बोलोगे दोस्तों, भाई 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, 12 से गुणा किया तभी तो 2 से 24 हुआ, तो 12 किया दोस्तों 36, ठीक है। इसका मतलब अब नए काम को करने में दोस्तों उसको 36 दिन लगेंगे, कितने दिन, 36 दिन। अब अक्सर दोस्तों बच्चा ये सोचता है कि 36 इसका आंसर होगा, आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों। बोला है कितने दिन अधिक लगेंगे, अधिक मतलब पहले 24 लगते थे अब 36 लगते, तो अब कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, तो एक्स्ट्रा दोस्तों आपको 12 दिन लगेंगे, कितने दिन, 12 डेज, ठीक है। तो उस पर्सन को इस काम को करने में दोस्तों 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो सवाल है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, यूपीएससी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ वीडियो पॉज करके, सो दैट टाइम जो है वो सेव हो, मेरा भी और आपका भी। तो आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर पाता है, और बी दोस्तों उसी काम को 20 दिन में कर पाता है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके काम करते हैं, तो ए प्लस बी ने दोस्तों मिलके 4 दिन काम किया। उसके बाद दोस्तों सवाल ये पूछा है कि जो काम हो गया अब जो बचा हुआ काम है वो कितना परसेंट बचा है, या फिर कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो है वो लेफ्ट बचा है, ठीक है। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा है, ए किसी काम को करने में दोस्तों 15 दिन लगाता है, बी किसी काम को करने में 20 दिन लगाते हैं। ये सब तरीके मैं बता चुका हूँ, तो वीडियो देख लेना यदि आपको लग रहा है कि सर पता नहीं क्या ही बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, 60 दोस्तों कुल काम है, क्या है, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य। अब दोस्तों यदि मैं इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ
तो 60/15, तो ए की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 60/15 के हिसाब से 4, और दोस्तों बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दैट इज 60/20, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों 4 और 3 ये एक दिन का काम होता है किसी आदमी का, 4 और 3 दोस्तों जो होता है वो एक दिन का काम होता है। इसका मतलब ए प्लस बी ने दोस्तों इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 7 है, कितनी है 7, मतलब एक दिन में जो 7 काम है वो प्रतिदिन 7 काम कर पाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने दोस्तों 4 दिन काम किया है, तो वर्क डन बाय ए प्लस बी, वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 4 डेज, 4 डेज में दोस्तों कितना काम कर पाएंगे, यदि एक दिन में 7 करते हैं तो 4 दिन में दोस्तों कितना करेंगे, 7 × 4 28 काम दोस्तों ये निपटा देंगे, ठीक है, 28 काम निपटा देंगे। अब दोस्तों बचा काम कितना है, बचा, ठीक है, बचा कर रहे हैं। अब दोस्तों जो बचा जो कर रहे हैं, भाई 60 आपको करना था, 28 आपने कर दिया, तो 32 बचा है। अब दोस्तों ये जो 32 है वो पूरे काम का कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन है, ये पूछा आपसे, ठीक है। तो यदि दोस्तों मैं देखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 32 पूरे काम का कितना फ्रैक्शन है, ठीक है भाई, 32 बचा हुआ, तो बचे हुए फ्रैक्शन आपको निकालना था, तो 4 × 8 = 32 एंड 4 × 2 = 15, तो 8/15 जो भाग है दोस्तों अभी ये बचा हुआ है, ठीक है, ये दोस्तों बचा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों बड़ा सरल सा ये तरीका था, और सारे तरीके दोस्तों बड़े सरल हैं जब भी मैं बताता हूँ, तो आपको एक बार सीख लेना है और क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं, मिलते कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं लिखता हूँ यहाँ पर वीडियो पॉज करके। तो सवाल नंबर 203, ए किसी काम को 20 दिन में कर पाता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर पाता है, और सी दोस्तों उसी काम को 60 दिन में कर पाता है, ठीक है, ये दे रखा है सवाल में। ए को बी और सी हर तीसरे दिन दोस्तों मदद करेंगे, मतलब पहले दिन कौन काम करेगा, ए, दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए, तीसरे दिन दोस्तों ए तो करेगा ही करेगा, बी और सी उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, सहायता करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में, और सी दोस्तों 60 दिन में करता है। यहाँ से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, जो कि दोस्तों कुल कार्य है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुल कार्य है। कुल कार्य दोस्तों कैसे निकालते हैं, लैसे निकालना आपको, लैसे किसका, जो काम अलग अलग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता यदि मैं निकालता हूँ, इसकी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 1 आएगी। उम्मीद करूँ दोस्तों अभी आपको बार बार चीज़ें आ गई होंगी, मैं क्या ही डिटेल में बताऊँ इनको, ठीक है, 3, 2, 1। अब दोस्तों पहले दिन, फर्स्ट डे, पहला पहला प्यार है, एक ही तो बारी है काम करने की, ठीक है। तो ए ने काम किया पहले दिन दोस्तों, किसने काम किया, ए ने कार्य किया, तो ए दोस्तों पहले दिन कितना काम करेगा, 3 काम कर पाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरे दिन दोस्तों किसने काम किया, सेकंड डे, बेचारे ए की परेशानी, ए ने ही दोस्तों कार्य किया, तो कितना काम कर पाएगा दोस्तों, फिर से 3 काम करेगा। अब दोस्तों तीसरे दिन तीनों ने मिला के काम किया, तो थर्ड डे में दोस्तों मौज आ गई इसकी, और कतई आराम में दोस्तों इसका, ए प्लस बी प्लस सी ने कार्य किया दोस्तों, कितना करेगा, ठीक है, अब कितना करेगा भाई, मिला के 3, 2, 1, तो 6 दोस्तों कार्य होगा, ठीक है, 6 कार्य। तो ये दोस्तों 3 दिन की कहानी है, चौथे दिन फिर ये अकेला रह जाएगा, पांचवें दिन दोस्तों फिर ये अकेला रह जाएगा, फिर छठे दिन दोस्तों बी और सी उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, ये प्रोसेस दोस्तों चलता रहेगा। सवाल ये पूछा है कितने दिन में काम पूरा होगा, ये दोस्तों मैंने साइकिल वाला सवाल आपको यदि बताया था और आपको याद है, तो उम्मीद करो दोस्तों वहीं से आपको दिमाग में घंटी बज गई होगी कि सर वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो 3 दिन में दोस्तों, 3 दिन में, 3 दिन में कितना काम हुआ भाई, 3, 3, 6, 6, 12, 3 दिन में दोस्तों 12 काम होता है, कितना, 12 काम, समझ में आया कैसे, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन मिला के करेंगे 6, तो 3, 3, 6 और 6, 6, 12, 3 दिन में दोस्तों 12 हो गया। अब 60 दिन में दोस्तों काम करना है, बड़ा आसान है दोस्तों, ठीक है। अब 60 दिन में दोस्तों ये काम करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि जो साइकिल्स हैं वो किस तरह से चल रही है। अब दूसरे दिन मैं इनको 5 साइकिल लेता हूँ, ठीक है, 5 साइकिल, तो 5 यदि मैं साइकिल लेता हूँ दोस्तों, तो 15 दिन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है भाई, 5 साइकिल में, मतलब 3, 3 दिन की 5 साइकिल, तो 15 दिन दोस्तों, यदि मैं 15 दिन में पूछता हूँ, तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, इसको भी 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, 12×5=60, ठीक है। तो काम दोस्तों कितना करना था, 60 करना था, कितना करना था, 60, तो 60 हो गया, कितने दिन लगे, 15 दिन, तो 15 दिन में दोस्तों ये काम जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से साइकिल को, यदि आपको साइकिल चलाना आता है, हाँ सीखा था बचपन में वही दोस्तों, ठीक है, साइकिल चलाना आता है तो आप काम भी दोस्तों अच्छे से कर पाएंगे, यदि साइकिल नहीं चला पाएंगे तो काम भी ना होगा, घर वाले बैठे रहेंगे इंतज़ार में, बाकी आपको पता ही आएंगे।
तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी दोस्तों पूछा हुआ सवाल है पेपर में, बोलता है गैरीसन है, गैरीसन मतलब जहाँ पे सैनिक जो है वो स्टे करते हैं, यदि उनका ट्रांसफर हो जाता है तो पूरा परमानेंट दोस्तों होम्स नहीं होते हैं, तो एक बैरक जिसको बोल सकते हैं एक तरह से मोटा मोटा। अब हिंदी तो दोस्तों मुझे इसकी प्रॉपर नहीं आती, बिकॉज कुछ नहीं। तो एक गैरीसन में दोस्तों 1000 सैनिक के लिए 30 दिन तक पर्याप्त खाना, ठीक है 30 दिन तक दोस्तों पर्याप्त खाना है। 10 दिन बाद दोस्तों क्या होता है कि 1000 सैनिक और आ जाते हैं वहाँ पर, उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो उसी बैरक में दोस्तों ठहरते हैं। अब दोस्तों जो बचा हुआ खाना वो कितने दिन और पर्याप्त होगा, बड़ा सिंपल सा दोस्तों सवाल है, ठीक है। तो पहले दोस्तों यदि हम कुल खाना देखते हैं या कुल कार्य, अब दोस्तों कुल कार्य के लिए मैंने आपको बताया था कितने दोस्तों लोग हैं, 1000 लोग हैं, और इनके लिए दोस्तों 30 दिन तक खाना पर्याप्त है। भाई मैंने आपको बताया था W बराबर PhD और उनके कार्य क्षमता। अब दोस्तों यहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो जो सैनिक है दोस्तों 1000 का ग्रुप है, तो सबकी एफिशिएंसी अलग अलग नहीं होगी, सबकी हम एक मान लेते हैं, ठीक है, जबकि आप एक मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो एक हो जाएगा दोस्तों 1000 आदमी, दैट इज सैनिक, और उनकी एफिशिएंसी को मान लो दोस्तों मैं एस मानता हूँ, मतलब हर कोई बंदा जो खाने की स्पीड है वो एस है, कुछ भी है, ठीक है, एस फॉर सोल्जर। और दोस्तों 30 दिन तक ये खाना खाते हैं, तो कुल दोस्तों जो खाना है वो 30,000 है, कितना 30,000 एस रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी। अब दोस्तों हुआ क्या कि पहले 10 दिन, ठीक है, पहले दस दिन में खाना कंज्यूम बोले तो कितना खाना दोस्तों कंज्यूम हो चुका, ठीक है, कितना खा लिया। अब दोस्तों 1000 सैनिक थे पहले दिन, और 10 दिन में दोस्तों इन्होंने 10,000 खाना जो है वो खा चुके हैं, ठीक है, 10,000 एस, ठीक है, 10,000 एस फॉर सोल्जर्स, ठीक है। अब दोस्तों बचा खाना कितना है, अब दोस्तों 30,000 था, 10,000 चला गया, तो 20,000 एस बचा। अब दोस्तों ये जो 20,000 ऐसे हैं किस किस को खाना है, अब दोस्तों 1000 सैनिक पहले थे, 1000 और आके 2000 सैनिक हो गए, कितने हो गए 2000 सैनिक हो गए दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों सबकी एफिशिएंसी को ऐसे ही मानेंगे, क्योंकि हमको कुछ नहीं गिवन है कि उनकी जो सैनिकों की एफिशिएंसी अलग है सेम है, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज दोस्तों हमको नहीं पता है कि 20,000 खाना कितने दिन चलेगा, बड़ा आसान हो गया दोस्तों, तो 3 0 से 3 0 दोस्तों मर गई, एंड 2 × 10 एस ने एस को मार दिया, तो डी बराबर दोस्तों 10 दिन। तो जो बचा हुआ दोस्तों खाना है वो 10 दिन और पर्याप्त रहेगा बाकी 2000 सैनिकों के लिए। एंड दोस्तों सैनिकों को हमेशा सलाम है, बिकॉज हम जो खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स, ठीक है, सो आई रियली सल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आइए दोस्तों आज के दिन का ये अंतिम सवाल है, पांचवा सवाल, सो दैट आपको जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मौजी मौज दोस्तों, ठीक है। तुषार और अजय मिलकर किसी काम को दोस्तों 7 दिन में कर पाते हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे कैन फिनिश अ जॉब इन 7 days, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ दोस्तों अंग्रेजी। तुषार अजय से दुगनी तेजी से कार्य करता है, मीन्स तुषार इज डूइंग द वर्क एट द फास्टर रेट एंड द स्पीड ऑफ द तुषार इज 2 times एज कंपेरिजन विद द और एज कंपेयर टू अजय, ठीक है, तो दुगनी तेजी से काम करता है, मीन्स द एफिशियंसी ऑफ द तुषार इज डबल दैट ऑफ अजय। नाउ इट इज आस्किंग कि तुषार अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, इन हाउ मेनी डेज तुषार अलोन कैन डू द वर्क, बड़ा सिंपल है दोस्तों, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों एफिशिएंसी दे रखी है तुषार की एंड दोस्तों अजय की, ठीक है, ये कितना है, तुषार दुगनी तेजी से काम करता है, इसका मतलब यदि अजय की एफिशिएंसी 1 है तो तुषार की दोस्तों डबल होगी, ठीक है, डबल होगी। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकालता हूं, तो यहां पे आप इसको मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x, 2x प्लस x 3x, समझ आ गया। अब दोस्तों यदि मैं कुल कार्य आपसे पूछता हूँ, कुल कार्य, ठीक है, ये दोस्तों बड़ा जरूरी है, आपको कुल कार्य यदि अब तक नहीं निकालना आया तो सीखिए उसको, और क्या ही बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों उनकी एफिशिएंसी मिला के 3 है एंड दोस्तों मिला के उन्होंने कितने दिन में काम किया, 7 दिन में, इसका मतलब दोस्तों 21 जो एक्स है ये दोस्तों आपका कुल कार्य कितना, 21x। अब ये 21 कार्य किससे करवाना है हमको, हमको कराना है तुषार से, ठीक है, तो टाइम टेकन बाई तुषार, तुषार कपूर है दोस्तों आप सब जानते होंगे एंड कितना एफिशिएंट है वो भी आप दोस्तों जानते हैं, सो 21x और उसकी एफिशिएंसी कितनी दोस्तों 2x, इससे यदि मैं दोस्तों डिवाइड करूँगा तो 10.5 days, ठीक है, तो 10.5 दिन में दोस्तों तुषार उस काम को अकेला कर पाएगा। और यदि मैं अजय की बात करता हूँ तो अजय दोस्तों 1 दिन में x काम करता है, तो 21x काम करने में 21 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट कर लिया और मैंने करा दिया दोस्तों, एंड अब आई थिंक मैंने 3-4 चैप्टर दोस्तों आपको ख़त्म करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर उठाएंगे एंड मैं सोच रहा हूँ दोस्तों आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो साधारण ब्याज है उसको करा दूँ, सो दैट आपका ईपीएफ से पहले एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाए। एंड ये दोस्तों कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से सवाल दोस्तों मेजरली बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खेलते रहो। हाँ खेलते रहो, बिल्कुल ठीक है, तो खेलते रहो, खुश रहो, एंजॉय करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों चैनल को।